मैं शशि प्रकाश यादव प्रकाश ग्रुप के YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त रिजल्ट आउटपुट कहलाता है और जिस डिवाइस के द्वारा आउटपुट मिलता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट दो रूप में मिलता है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मींस ऐसा आउटपुट जो केवल दिखाई दे, हार्ड कॉपी मींस ऐसा आउटपुट जिसे हम देख लें, छू लें। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर इत्यादि आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आइए हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में जानते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इससे सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट मिलता है। इसे VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं। CRT मॉनिटर, इसका पूरा नाम कैथोड रेज ट्यूब है। यह बॉक्स की तरह आकार में बड़ा और भारी होता है। वोल्टेज भी ज़्यादातर लगता है। इस तरह के मॉनिटर का चलन कम हो गया है। LCD मॉनिटर, इसका पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। यह CRT की अपेक्षा काफ़ी हल्का और पतला होता है। LCD में दो प्लेटों के बीच में विशेष प्रकार का लिक्विड भरा होता है जो लाइट पड़ने पर चमकने लगता है। LED मॉनिटर, इसका पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड है। यह LCD की अपेक्षा कम पावर भी खपत करता है और LCD की अपेक्षा इमेज भी क्लियर दिखाता है। इन सभी के अलावा 3D मॉनिटर, TFT मीन्स थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, प्लाज्मा इत्यादि मॉनिटर के ही प्रकार हैं। मॉनिटर की साइज को डायगोनल यानी विकर्ण में मापते हैं और मॉनिटर की क्वालिटी को पिक्सल में मापते हैं। आइए अब हम प्रिंटर के बारे में जानते हैं। यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचना को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं जो हार्ड कॉपी कहलाती है। प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी प्रिंट कर सकता है। किसी प्रिंटर की स्पीड करेक्टर पर सेकंड यानी CPS, करेक्टर पर मिनट यानी CPM, लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट, इंप्रेशन पर मिनट में मापी जाती है। किसी प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी DPI यानी डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। जितनी ज़्यादा DPI उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट। प्रिंटर को दो भागों में बांटा गया है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो आइए हम जानते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर प्रिंट करने के लिए पिन या हैमर्स होते हैं। पिन स्याही से लगे हुए रिबन पर पिनिंग करके पेपर पर प्रिंट करते हैं। ये प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। ये प्रिंटर प्रिंटिंग के दौरान आवाज़ अधिक करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार जैसे डॉट मैट्रिक्स यानी DMP प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर।
आइए अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में जानते हैं। ये प्रिंटर कागज पर पिनिंग नहीं करता, बल्कि अक्षर या इमेज प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज पर छोड़ता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार जैसे इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे कम आवाज करने वाला प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। आइए अब हम अगले आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, स्पीकर। यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को आवाज के रूप में सुनाती है। आइए अब हम एक और आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर के बारे में जानते हैं। इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। प्लॉटर, यह एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र प्रिंट करने के लिए किया जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट ब्रेड प्लॉटर, ड्रम प्लॉटर। हेडफोन, ये गाना वगैरह सुनने के लिए हम अपने सर के ऊपर इसको लगाते हैं। ये सभी एग्जांपल थे आउटपुट डिवाइस के, और भी हो सकते हैं। तो आज की कक्षा में हमने जाना आउटपुट क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी, मॉनिटर व उसके प्रकार, प्रिंटर व उसके प्रकार, स्पीकर, प्लॉटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल प्रकाश ग्रुप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कमेंट हमें और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।